हेलो गाइस, कैसे हैं सब? आई होप आई थिंक ऑल गुड, ऑल बेटर। आज मैं आप लोग के साथ नो मेकअप मेकअप लुक शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे आप डेली मेकअप भी बोल सकते हैं और थोड़े से प्रोडक्ट में ही इस मेकअप को क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं निविया का मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी। अच्छे से पूरे फेस में अप्लाई कर लेंगे और इसे सेट होने देंगे अच्छे से। ये डेली मेकअप ही बोल सकते हैं, ये कॉलेज गोइंग गर्ल भी इस मेकअप को क्रिएट कर सकती हैं। तो उसके बाद एज ए प्राइमर के लिए मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी। आप चाहें तो प्राइमर भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा लिटिल क्वान्टिटी में लेकर पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी और सेट होने दूँगी। सेट होने दूंगी अच्छे से अप्लाई करके। और ये इसमें ना मैं ज़्यादा आई मेकअप करूंगी और ना ही कंटूरिंग वगैरह कुछ भी नहीं। अब इसके बाद मैं पॉन्स का बीबी प्लस बीबी क्रीम यूज़ करूंगी। आप चाहे तो इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्रीम है, ये बहुत ही अच्छा बेस देता है। तो थोड़ा सा लेकर और पूरे फेस में टैप 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 करके अप्लाई करेंगे। उसके बाद अपने फिंगर से ही मैं अप्लाई करूंगी, बिकॉज मुझे फिंगर से अप्लाई करना ही ज़्यादा बेटर लगता है। और मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर भी है और ब्रशेज भी, बट फिंगर से अप्लाई करना ज़्यादा बेटर लगता है हमें। मैं फिंगर की हेल्प से ही पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी अच्छे से और नेक एरिया में भी अप्लाई करूँगी, पूरे फेस में और नेक एरिया में और ईयर के पीछे भी अप्लाई अच्छे से कर ले आप लोग, ताकि इवन टोन लगे। और ऐसा कभी कभी होता है कि इतने लोग होते हैं जो फेस में ही अप्लाई करते हैं तो फेस वाइट वाइट लगने लगता है और नेक, तो इसलिए पूरे फेस में और नेक एरिया में पूरे अच्छे से अप्लाई कर ले ताकि इवन टोन लगे। आप देख सकते हैं मैं पूरे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं हेयर को आगे आ रहे थे तो मैंने क्लचर यूज कर लिया। और उसके बाद मैं एन वाई वे का आईब्रो पेंसिल ब्राउन कलर का यूज करूँगी और इसे अच्छे से फिल करूँगी दोनों आईब्रो को। आप देख सकते हैं अच्छे से इसे फिल कर लें। उसके बाद मैं पाउडर यूज करूँगी, कोई भी, ये ओरिफ्लेम का पाउडर है और आप चाहे तो फेस पाउडर या कोई भी पाउडर यूज कर सकते हैं इस मेकअप को सेट करने के लिए। तो अच्छे से थोड़ लिटिल क्वांटिटी में अप्लाई करें, बिकॉज विंटर का सीज़न है। विंटर के सीज़न में फेस वैसे ही ड्राई हुआ रहता है, ड्राई हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ही अप्लाई करें और इसे डस्ट आउट कर दें। आप चाहें तो इसकी स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं एन वाई वे का काजल यूज़ करूँगी और ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट काजल, और ये बहुत ही अच्छा काजल है। बहुत ही स्मूथ ग्लाइड हो जाता है और स्मच प्रूफ है। आप चाहे तो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और इसका MRP भी बहुत ही कम, चिप रेट में मिल जाता है, तो आप इसे ले सकते हैं। उसके बाद मैं लिप बाम यूज़ कर लूँगी लैक्मे का। कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो प्रोडक्ट यूज करी वही आप यूज करें, कोई भी आप यूज कर सकती हैं। उसके बाद NYV का मैं ब्लैक कलर का लाइनर यूज करूँगी मिरर के साथ। कैमरे में देखकर लगाना थोड़ा हो जाए अजीब लगता है, लग ही नहीं पाता है, तो हम मिरर की हेल्प से मिरर में देखकर यूज करेंगे। आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हैं मैंने दोनों आईज में ड्रॉ कर लिया है आईलाइनर। एज ए प्राइमर के लिए मैं अपना लिप बाम यूज़ करूँगी और इससे पिंकिश ग्लो आता है फेस पे, नेचुरल ग्लो आता है, आप लोग देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा लगा के और फिंगर की हेल्प से ही मैं इसे ब्लेंड करूँगी। और आप लोग चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या अप्लाई भी कर सकते हैं, इसे नेचुरल ग्लो आता है। आई होप आप लोग को दिख रहा हो। उसके बाद मैं डार्लिंग की सावेला का लिपस्टिक यूज़ करूँगी, कलर न्यूड, आई होप आप लोग को दिख रहा हो। और मैं अप्लाई करूँगी अच्छे से और इसे 2-3 कोट अप्लाई करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैं मिरर
मिरर की हेल्प से, बिकॉज़ कैमरे में देखकर लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो इसे दो तीन कोट में अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं अपना हेयर कम कम कर लूँगी। आप चाहे तो कैसे भी, जैसे आपका मन हो, जैसे पोनी जुड़ा बन या खुले बालों में भी, जैसे आप चाहे। उसके बाद यूज़ करूँगी सिर्फ लिपस्टिक से ही, और इसे दो तीन कोट यूज़ कर ले ताकि ये कलर पे ऑफ अच्छा दे। और हेयर स्टाइल आप जैसे बनाना चाहें वैसे कर सकती हैं, पोनी खुले क्लचर जैसे चाहे वैसे कर सकती हैं। उसके बाद अगर आई होप आपको लगे कि मस्कारा लगाने की ज़रूरत है, मस्कारा लगाने से आई बोल्ड लगते हैं, तो मैं मस्कारा करना यूज़ करके आईलाइनर से ही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आई होप आप लोग को दिख रहा हो, मैं दोनों आईज में अच्छे से आईलाइनर से मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। और उसी मैंने जो लिपस्टिक लगाया है डार्लिंग इसाबेला का, उसी से आई मेकअप भी लाइट हल्का हल्का कर लूँगी। आई होप आप लोग को दिख रहा हो, अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, अगर मन है तो कर भी सकती हैं, मैंने बोला है तो आप कर सकती हैं, इस ट्रिक को अपना सकती हैं। और फिंगर की हेल्प से इसे टैप टैप करके